रिएक्शन मिसाइल है। भारत की नई ताकत रुद्रम की रेंज अलग अलग हालात में बदल सकती है। डीआरडीओ 350 किलोमीटर रेंज की रुद्रम 2 और 550 किलोमीटर रेंज की रुद्रम 3 मिसाइल विकसित कर रहा है, जो हवा से जमीन पर सटीक निशाना लगाती है। भारत ने आधुनिक हथियारों पर खर्च करने के लिए 76,390 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है, जिसमें से अधिकतर स्वदेशी हथियारों पर खर्च किया जाना है। भारत सरकार पिछले 2 सालों में हथियारों की 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट में 310 हथियारों के नाम हैं, जिन्हें स्वदेश में ही बनाए जाने की अनिवार्यता है, यानी ऐसे हथियारों को हिंदुस्तान में ही डेवलप किया जाना है। इस लिस्ट में हॉबिट्सर, हल्के लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, टैंक इंजन, रडार, जंगी जहाज तक को शामिल किया गया और उन्हें बनाया भी जा रहा है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कुल 28,732 करोड़ रुपए के सैनिक साजो सामान की खरीदी को मंजूरी दी, जिसमें ड्रोन खरीदने का भी प्रावधान है। स्वार्म ड्रोन, छोटे अटैक ड्रोन्स की पूरी आर्मी। ये ड्रोन देश में ही विकसित किए जाने हैं, जिनका इस्तेमाल अटैक से लेकर निगरानी कर में किया जा सकता है, जो गाइडेड बॉम्ब से लैस होंगे। हेलेना मिसाइल, नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को तैयार किया है और ये अपने परीक्षण के सभी स्तर से गुजर चुकी है और सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये मिसाइल एक बार में अपने लक्ष्य की तरफ निकलती है तो फिर निशाना नहीं चूकती। हेलेना द टैंक किलर मिसाइल ऑफ इंडिया, मेड इन इंडिया। हेलेना की मारक क्षमता 7 किलोमीटर है, रेंज है 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक, रफ्तार 828 किलोमीटर प्रति घंटे की, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर ये काम करती है। इस मिसाइल की ताकत से हिंदुस्तान अपनी सभी सरहदों पर दुश्मन के टैंक मूवमेंट को कभी भी रोकने की अतिरिक्त ताकत हासिल कर चुका है। INS अरिघात, भारत की दूसरी अरिहंत क्लास की परमाणु सबमरीन। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो फिलहाल डीप सी ट्रायल में है और कुछ महीनों में ही नेवी में शामिल होने वाली है, इस स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन की सीरीज में ये दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है, जो K-4 और K-15 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। K-4 मिसाइल अग्नि 3 का सबमरीन वर्जन है और K-15 शौर्य मिसाइल का सबमरीन वर्जन है, यानी ये सबमरीन 3,500 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी परमाणु धमाका करने का मादा रखती है। ऐसे तमाम हथियार हैं जो हिंदुस्तान में विकसित होने लगे हैं और हिंदुस्तान एक हथियार निर्यातक मुल्क बन रहा है। इसमें जल, थल और नभ तीनों जगह इस्तेमाल होने वाले घातक हथियार शामिल हैं। तो ये है हिंदुस्तान के सुपर सोल्जर, हिंदुस्तान का फ्यूचर पावर। मेरे दिल में हिंदुस्तान, सिर्फ राष्ट्रहित की बात करूंगा, सिर्फ रूस दोनों मिसाइलों के साथ तैयार है और दोनों महाशक्तियों के बीच इस वक्त टेंशन हाई है। आज मैं मकसूद खान आपको बताऊंगा क्यों दुनिया के 3 शैतान आपस में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच में आखिर क्यों ईरान बना हुआ है विश्व युद्ध के खतरे की एक वजह। सबसे पहले 3 महाशक्तियों से शुरू होने वाले 3रे विश्व युद्ध की आशंका। Item 129, first stage ignition. अमेरिका ने लॉन्च की अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल। Item 129, first stage ignition of missile.
महाविनाशक परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 से हिली दुनिया। एक बार फिर महाशक्तियों के बीच भड़क उठी एटॉमिक टेंशन। रूस और चीन से अदावत के बीच अमेरिका ने दिखाई अपनी ताकत। एक तरफ यूक्रेन में ज़ेपोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट पर रूसियों के अटैक से पूरे यूरोप की जान सूख गई है कि कहीं कोई परमाणु विनाश न हो जाए, वहीं दूसरी तरफ पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर पुतिन ने चीन का साथ देते हुए अमेरिका पर अटैक किया है, तो बाइडेन ने अपनी ग्लोबल स्ट्राइक फोर्स के जरिए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 को लॉन्च कर दिया। अमेरिका के एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने वेंडन वर्ग में 16 अगस्त को भारतीय समय के मुताबिक 1:19 पर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिनटमैन 3 मिसाइल को लॉन्च कर दिया। अमेरिका की ये मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखती है, यानी अमेरिका इससे पूरी दुनिया में कहीं भी हमले को अंजाम दे सकता है। इस लॉन्च के साथ ही अमेरिका ने दुनिया को बताने की कोशिश की है, अमेरिका दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है। परीक्षण में मिसाइल ने 7,900 किलोमीटर अटैक किया। बिना वॉरहेड की मिसाइल ने 1100 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की। मिनटमैन 3 मिसाइल की स्पीड है Mach 23, यानी 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अमेरिका ने 400 मिनटमैन 3 मिसाइल को तैनात किया है। अभी भी अमेरिका की इस पुरानी मिसाइल में कम है। 2030 तक अमेरिका मिनटमैन 3 को रिप्लेस कर देगा। मिनटमैन 3 की जगह लेगी नई मिसाइल LGM-35 सेंटिनल। 7 अप्रैल को सेंटिनल के टेस्ट में 11 सेकंड में ही रॉकेट फट गया।